एक नूब कैसे प्रैक्टिस करता है तुम वो देखो। लेकिन एक प्रो बंदा इसको कैसे प्रैक्टिस करेगा तुम वो देखो। अब एक बार और इसे क्या इंप्रूव होगा वो देखो भाई। यहां पर आया सो गाइस, ये ड्रिल से आपका ये इंप्रूव होने वाला है क्राउच शॉट। ठीक है सर, इस वाले ड्रिल से पता क्या इंप्रूव होगा आपकी एम शिफ्टिंग क्लोज रेंज में। ठीक है, आप उसको एग्जांपल में मैं आपको दिखाता हूं। देखो इसका मैंने ये प्रैक्टिस कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, देखो इसका रिजल्ट देखो। ठीक है, यहां पर मैं आया, सो गाइस देखो कितनी फास्टली गाइस मैंने एक बंदे को नॉक करा, प्लस दूसरे बंदे को कितनी जल्दी मैंने एम शिफ्ट करा। तो गाइस ये गाइस आपकी इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इस ड्रिल को करना गाइस आपकी इंप्रूवमेंट ये बहुत ही जल्दी हो जाएगी। ठीक है, सो गाइस सर, तुम्हें किसी की आईडी में यूज ही सेंड करनी है या फिर अपनी आईडी में परचेज करके सेंड करनी है, तो गाइस सर आप सबके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है, बीजीएमआई गाइस सर कोडर शॉप में लिस्टेड हो चुका है, लाइव हो चुका है। तो गाइस आप कोडर शॉप में जाके यूसीवाई कर सकते हैं, वो भी जेन्युइन प्राइस एंड एक्साइटिंग डिस्काउंट ऑफर के साथ में। अभी बीजीएमआई यूसी परचेज करने पर गाइस आपको 10% का बोनस ऑफर चल रहा है, और गाइस सर 750 रुपीज का गाइस आपको कैशबैक भी मिलेगा अगर आप पेटीएम वॉलेट से पेमेंट करते हैं। तो सो गाइस सर, डिस्क्रिप्शन की फर्स्ट लिंक को आप क्लिक करोगे, तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इस वेबसाइट पे आओगे, बीजीएमआई को सिलेक्ट करना, देन यहां पर अपनी यूजर आईडी डाल देना बीजीएमआई की, देन उसके बाद जो भी आपको रिचार्ज करना है गाइस सर 60 UC 300 UC वाला उसको सिलेक्ट करो। यहां पर बहुत सारे पेमेंट ऑप्शन है, तो गाइस आप पेटीएम को करो क्योंकि 10% आपको बोनस भी मिलेगा पेटीएम के थ्रू। नीचे जीमेल डाल दो अपनी एंड गाइस प्रोसीड कर दो, एंड आगे जाओगे तो कंफर्म एंड गो टू पेमेंट कर दो, अपनी डिटेल्स दिख जाएगी कि हां यही आईडी है। देन उसके बाद यहां पर एक बार और आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, अपना नंबर डाल के पेटीएम, उसको गाइस कंटिन्यू सीट कर दो, एंड भाई आपकी यूसी परचेस हो गई। अब गाइस सर सिंपल सी बात है, जब भी आप यूसी परचेस करोगे तो गेम को या फिर बंद करके रखो या फिर चालू है तो उसको एक बार रीस्टार्ट कर लो गाइस आप, या फिर आप मेल बॉक्स भी चेक कर सकते हो। रीस्टार्ट करने पर आपका अकाउंट रिफ्रेश हो जाता है और सारी यूसी आ जाते हैं, तो जल्दी जाओ गाइस सर, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फटाफट से गाइस सर यूसी परचेस करो या फिर किसी की आईडी में बड़ी इजीली यूसी सेंड कर सकते हो। तो भाई यह लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके चेकआउट जरूर से करो। सो गाइस सर, टिप नंबर 3 में गाइस आपको अगर अपने रिफ्लेक्सेस गाइस सर फास्ट करने हैं, ठीक है, क्लोज रेंज में, तो गाइस आपको लिए एक बहुत ही इफेक्टिव ड्रिल की बात कर रहा हूँ। इस ड्रिल को मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करा, तो गाइस सर 4 शॉट एक एक एम पॉइंट ले लो कि आपको यहां पर करना, और इस ड्रिल को ऐसे करो। सो गाइस सर, ये वाली ड्रिल ना बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है गाइस, मैं तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता हूँ इसकी गाइस, ऑलमोस्ट गाइस दिन में 10 मिनट तो इसकी मैं प्रैक्टिस करता ही हूँ। तो गाइस सर तुम भी आओ, इस चीज की प्रैक्टिस करो, चारों साइड गाइस एम एम ले लो, चार साइड एम ले लो चार डायरेक्शन में, प्लस उस पर प्रैक्टिस करो, बस रैंडमली फायर करो। जैसे कि क्या होता है ना भाई कि पीछे से साउंड आया हल्का सा भी, तो भाई यार तुम फट से मूव करते हो एंड फट से उस बंदे को नॉक करते हो। जैसे कि आपको आगे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि मेरे को पता नहीं था ये ऊपर से बंदा आ रहा था, देखो कितनी जल्दी मैंने रिफ्लेक्स फास्ट करे अपने। तो गाइस सर तुम देख रहे हो कितनी जल्दी मैंने उसको मारा, तो ये गाइस आपकी इंप्रूवमेंट होगी, रिफ्लेक्स आपके फास्ट होंगे क्लोज कॉम्बैट में। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब गाइस सर बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, तो सर ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, ये करना है आप प्रैक्टिस। ठीक है, सो
यार ये ड्रिल करने को मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको रीजन बताता हूँ, ठीक है। आप पीक करके भाई 40 एमओ गाइस सर सामने वाले एनिमी को फायर करते हो, ठीक है। सामने वाला एनिमी गाइस सर काफी अच्छा है या फिर उसके पास ग्रोज है, MK14 जैसी गन है और उसके पास एडवांटेज होता है गाइस आपका हेड दिखता है जब आप पीक करते हो। लेकिन जब आप क्राउच करके ऐसे गाइस मारते हो जैसे कि मैंने आपको ड्रिल बताई है, इससे गाइस आपके क्विक मारते हो और गाइस क्विक कवर में आते हो। इस वजह से गाइस ये वाली ड्रिल काफी इफेक्टिव हो जाती है, प्लस आपके रिफ्लेक्स भी फास्ट हो रहे हैं। ये इसलिए मैं गाइस आपको बोल रहा हूँ कि इस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे तो गाइस आपका इंप्रूवमेंट होगा, प्लस एनिमी को भाई फट से मारोगे, फट से गाइस यार कवर में आओगे। तो इसलिए गाइस इस वाली ड्रिल का आप प्रैक्टिस करो इस तरीके से, ठीक है। तो गाइस सर इससे क्या इंप्रूवमेंट होने वाली है आपका, गाइस सर क्लोज कॉम्बैट में क्राउच शॉट गाइस आपका बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। लाइक ऐसे अब गई सर इस वाली ड्रिल से आपको क्राउच शॉट इंप्रूव होने वाला है। और गई सर क्लोज कॉम्बैट में तुमको ही पता है भाई क्राउच शॉट कितना ज्यादा मैटर करता है। अगर आपका क्राउच शॉट बहुत ही अच्छा है भाई तो इजीली गई सर क्लोज कॉम्बैट आपको मतलब बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप विन कर पाओगे क्लोज कॉम्बैट को, ठीक है। सो गई सर आप बहुत ही सीरियस टॉपिक पर बात करते हैं। टॉपिक ये है क्या इसकी, बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं हम जंप प्रोन की और गई सर ड्रॉप शॉट की या फिर किसी भी मूवमेंट की हम ड्रिल्स करते हैं, लेकिन जब सामने एनिमी आता है तो हम क्यों भूल जाते हैं। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं भाई कि यार देखो जब भी तुम प्रैक्टिस करते हो ना बहुत ही कम प्रैक्टिस तुमने करी है इसलिए तुम भूल जाते हो। लेकिन यार बहुत सारे लोग ना घंटे घंटे प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं देखो यार सेम चीज रिपीट करना, ठीक है, प्रैक्टिस यही होती है ना कि सेम चीज रिपीट करो। अब जितना ज्यादा उस चीज में प्रैक्टिस करोगे उस चीज में आप मास्टर कर पाओगे। सिंपल सा रीजन ये है कि अब तुम सेम चीज रिपीट कर रहे हो बार 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 तो आपके दिमाग में वो चीज गई यार मसल मेमोरी में वो चीज सेट हो जाती है और गई जब सामने बंदा आता है तो ऑटोमेटिकली वो चीजें होती हैं। अब भी ये चीज देखो आपने प्रैक्टिस बहुत कम करी है गई इसलिए गई तुम गजनी बन जाते हो सामने एनिमी के क्लासिक मैचेस में, ठीक है। और गाइस सर क्लासिक मैचेस में थोड़ा सा मैच स्लो होता है, टीडीएम में तुम इसलिए कर पाते हो क्योंकि यार एक फ्लो बना रहता है तुम्हारा मारने का, ठीक है। और गाइस सर क्लासिक मैचेस में ऐसा नहीं होता, एक फाइट हुई फिर मान लो 10 मिनट बाद फाइट हो रही है फिर 5 मिनट बाद फाइट हो रही है तो उतने में तुम्हारा फ्लो बिगड़ जाता है। इसलिए गाइस मैं आपको बोलूंगा कि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करना चाहो मतलब करोगे उसी चीज को रिपीट करोगे तभी गाइस आपके मसल में वो चीज सेट होगी। सिंपल सी बात है ना, जब मसल में जब सेट होगी तो वो ऑटोमेटिकली गाइस सर वो चीजें आपकी क्लासिक मैचेस में भी होने लगेंगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि कभी होंगी नहीं, प्रैक्टिस जितना ज्यादा आप करोगे उसी सेम चीज को रिपीट करोगे, प्रैक्टिस करोगे अपने क्लॉ पे गाइस मास्टर करोगे तभी गाइस सर वो चीजें सेम टू सेम होने लगेगी। आप परफेक्ट टाइमिंग के साथ क्राउच कर पाओगे, परफेक्ट टाइमिंग के साथ आप प्रोन कर पाओगे। तो इसलिए मैं बोलता हूं गाइस जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो जितनी ज्यादा आप सेम चीजें रिपीट कर सकते हो ट्रेनिंग मोड पे आप करो एंड गाइस प्लस आपकी मसल मेमोरी में बहुत सारी चीजें सेट हो जाएंगी एंड गाइस आप देखना कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली वो चीजें आपकी क्लासिक मैचेस में भी होने लगेंगी। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी मेरे भाई, लगी है तो यार थोड़ी बहुत भी लगी होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना भाई, बहुत मेहनत लग जाती है इस वीडियो को बनाने में, एक लाइक आपका भाई मेरे को मोटिवेट कर देता भाई यार। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, 5K लाइक्स का टारगेट है। एंड गाइस यार क्या तुम भी भूल जाते हो यार सही टाइमिंग के साथ यार ये सब चीजें करना, ड्रॉप शॉट, जंप शॉट या फिर क्राउच शॉट? तो यार नीचे कमेंट करके मेरे को यही बताना भाई कि तुम भी हां सही टाइम पे तुम भी गजनी बन जाते हो, मेरे को नीचे कमेंट करके बताओ। एंड गाइस यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय एंड अपना ध्यान रखो, ड्रिल्स करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो एंड बूम बाम मचाते रहो बीजीएमआई में, ठीक है, बाय बाय।